चलेगा। तो मतलब क्या कंसिस्ट, मतलब आप ब्लड कंसिस्ट ऑफ सिंपल हीमोग्लोबिन फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट यस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा, क्या बात है, कितने सारे नाम आ रहे हैं, बायो वाले एक्सपर्ट है। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, वेरी गुड स्टूडेंट्स, आर वेरी स्मार्ट। ओके, जो आंसर चाहिए ऊपर वो आया नहीं है। सो योर हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द ब्लड, व्हाट डज योर हीमोग्लोबिन मींस, व्हाट योर हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। आयन, हाँ प्रोटीन एंड आयन। यस करेक्ट आंसर इज आयरन। ब्लड इज प्रोटीन, ब्लड इज प्रोटीन, बट योर हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एज आयरन। इज योर ब्लड और हीमोग्लोबिन यूजफुल विदाउट आयरन? नो सर। नो, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड तो बहुत है, पर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं। वी विल सफर फ्रॉम वेरियस डिजीज, सिंपल एग्जाम्पल एनीमिया, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन से, आयन इज इन द कोऑर्डिनेशन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। आयन इज इन द कोऑर्डिनेशन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। विदाउट आयन वी कैन नॉट कैरी आउट द वर्क ऑफ ब्लड फ्लुएंटली। That's why iron is a must element with the hemoglobin of the blood. So we can say that iron is in coordination with the hemoglobin of the blood. Similarly, plants prepare their food due to presence of dash in green plants. क्या प्रेजेंट द ग्रीन प्लांट्स में? क्लोरोफिल, ग्लूकोज, क्लोरोफिल, ठीक है आंसर क्लोरोफिल। ओके, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या ऑल कैन प्रिपेयर द फूड वेरी वेल? नो, बिकॉज अलोंग विथ क्लोरोफिल इफ विच एलिमेंट इज एब्सेंट दे कैनॉट प्रिपेयर द फूड। कौन सा एलिमेंट है क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल के लिए? इज द फॉस्फर, एलिमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉस्फर, ऑक्सीजन। नहीं। जैसे हमारे ब्लड के अंदर बिना आयन के हीमोग्लोबिन कुछ काम का नहीं है, उसी तरह से प्लांट्स में कौन से एलिमेंट के बिना क्लोरोफिल कुछ काम का नहीं? क्लोरोफिल इज यूजलेस, विच इज दैट एलिमेंट? ग्लूकोज, नो, यस वैष्णव इज क्लोरीन, करेक्ट एंड दैट इज वैष्णव एंड प्रथम संकेत, प्रथम संकेत ऑल्सो करेक्ट एंड दैट आंसर इज मैग्नीशियम। सो विदाउट मैग्नीशियम योर क्लोरोफिल इज यूजलेस। सो प्लांट्स के नॉट वर्क आउट। सो मैग्नीशियम इज इन कमिंग इन कोऑर्डिनेशन, मैग्नीशियम इज कमिंग इन कोऑर्डिनेशन विद द क्लोरोफिल ऑफ द प्लांट। तो मुझे आपको ये दो एग्जांपल बताना था। आई वांटेड टू मेक यू अवेयर दैट व्हाट यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज दिस थिंग्स। सो कोऑर्डिनेशन का मतलब साथ में आने वाला, और उसका इंपॉर्टेंस भी इक्वल है, मतलब उसकी जरूरत बहुत कम है, पर अगर वो नहीं रहेगा तो कुछ काम ही नहीं होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। सो वी शुड, देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर वर्किंग इन द कोऑर्डिनेशन विद द अदर थिंग्स। सो गेटिंग इट, हियर सम बेसिक पॉइंट्स। नाउ हु विल कोऑर्डिनेट, लेट अस सी। तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बहुत ज्यादा है, इज कोऑर्डिनेटिंग विद द मैग्नीशियम। आयन इज कोऑर्डिनेटिंग विद द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, मतलब एक गिव करता है एक टेक करता है। सो ऑलवेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय लुईस एसिड बेस थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय लुईस एसिड बेस थ्योरी। वन इज एक्सेप्टर एंड वन इज डोनर, वन इज एक्सेप्टर एंड वन इज डोनर। तो मैग्नीशियम ने अपने कंपोनेंट्स किसको डोनेट किए हैं? क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल बिकम एक्सेप्टर, मैग्नीशियम डोनर। हीमोग्लोबिन बिकम्स एक्सेप्टर, आयरन बिकम्स डोनर। सो दैट्स व्हाट वी आर हैविंग हियर इज एक्सेप्टर एंड डोनर हियर अलोंग विद दैट पार्ट।
क्लियर। तो एक्सेप्टर और डोनर दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास है यहाँ पर। तो एक्सेप्टर और डोनर दोनों कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक कंपाउंड चलता है। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, फटाफट समझ में आ जाएगा। लेट अस सी, PtCl4 और यू कैन ऑल्सो टेक वन एग्जांपल, ज्यादा फैमिलियर एग्जांपल है PtCl2NH2। नाउ लेट अस सी अदर्स, Pt के साथ में Cl है, Cl है, NH2 है, NH2 है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा PtCl2NH2। You can also show the structure this way. We are familiar. What happened, Shruti? Compound का name बोलो ना। अरे compound का नाम बताता हूँ। अभी तक तो explain नहीं किया ना, पूरा explain करते हैं, नाम बताते सब बताते हैं। Everything I'll explain. पहले हम चलते हैं, meaning क्या होता है coordination compounds का, वो समझ पाए तो नाम समझ पाए। ठीक है? Sir, वहाँ मतलब NH2 मतलब NH ही आना चाहिए ना उधर। हाँ NH2 पर फॉर्मूला में तो NH2 मतलब हाइड्रोजन दो ही बार है ना, हाइड्रोजन दो ही बार है, तो फिर आपने चार बार कैसे ले लिया। हाँ हाँ वो लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, अभी हमें पता है कि क्लोरीन और नाइट्रोजन इनके पास आउटर मोशन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर कैसे ज्वाइन होगा ये, दिस वे 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, फोर बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन ऑल्सो शो दिस वे NH2 Cl and Cl. Dada! So this way also you can show. So what happens here? This is also, this way also you can write down. Square bracket mein likha hai. So always coordination compound is written in the square bracket. Always coordination compound is written in the square bracket. So NH2, that is amine, Cl, chloride, are in the coordination with the metal atom platinum. NH2 and Cl are in the coordination with the platinum, and hence such molecule is called as coordination molecule. Such molecule is called as coordination molecule. इसको जनरल भाषा में हम बोलते हैं cisplatin. जनरल भाषा में इसको बोलते हैं cisplatin. cisplatin बहुत से बच्चों ने नाम सुना होगा. It is used to cure cancer. It is used to cure cancer. That is, it is chemotherapeutic drug. Chemotherapeutic drug. मतलब chemotherapy. Chemo मतलब chemicals को लेकर therapy. Chemicals को लेकर treatment करते हैं. So cancer is treated by using this compound. And that method is called as chemotherapy. हाँ अमोनिया यूज हो तो अमोनिया से डेरिवेटिव है ना, NH2 मुझे अमोनिया से डेरिवेटिव है ना, बराबर है? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज cisplatin. सिस का संग तो देखो ना, संग नहीं, सिस पर प्रीफिक्स लाओ ले, सो प्लैटिन, प्लैटिन का संग इतना है बिकॉज द नेम इज प्लैटिनम, तो प्लैटिनम को शॉर्ट करके प्लैटिन. सिस क्यू, वी आर फैमिलियर, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, दिस इज identical group on the same side, so cis arrangement cis says this is platinum. IUPAC name नहीं बता रहा हूँ, IUPAC name बात करता है. ठीक है, तो मुझे जो बताना है वो टॉपिक पे आ जाते हैं पहले. क्लियर, तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, मोर सिंपल एग्जांपल दैट आई विल टेक. आई टेक दिस एग्जांपल K4 Fe CN6.
So here Fe is present there. Along with Fe, 6CN are present. 6CN are present. So let us see how to write them. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. JCN present over A, JCN. यहाँ पर आपको एन सी नहीं रीड करना है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सी से है ना, तो सी एन रीड करना है. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सी से है, दैट्स व्हाई यू रीड एज सी एन. ओके, एंड वी आर फैमिलियर सी एन का चार्ज कितना है, माइनस वन है. सी एन का चार्ज माइनस वन है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा. So this type of arrow will be shown. This type of arrow will be shown. इसका मतलब क्या हो रहा है? CN is donating the electron and Fe is accepting the electron. CN is donating the electron and Fe is accepting the electron. ऐसा दिखाई देता है. तो यहाँ पर लगभग valences complete हो जाती है. अब ये K4 जो है, 1, 2, 3, 4, दिस आर एक्सेस, दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल दिस Fe एटम, और वो स्फीयर के बाहर है, तो वो एक्सेस में आ रहे हैं, तो उनकी जरूरत है, नहीं भी हो सकते तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो आए हैं तो पूरा कंपाउंड बनाते हैं. इफ पोटेशियम इज नॉट प्रेजेंट देन ऑल्सो द कंपाउंड वर्क्स. सो इसको क्या बोलेंगे, ये एक्सेस में आ रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं, जरूरत सिर्फ छे की ही थी. तो यहां पर ये मेटल एटम है व्हिच इज इन द सेंटर, मेटल एटम इज अ सेंट्रल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल आयन. द मेटल आयन, the metal ion which is present in the center of the molecule is called as central metal ion. The species along with central metal atom is called as ligands. The species present along with the central metal atom are called as what, are called as ligands. Now this species will be having always the opposite charge of the central metal ion. मतलब metal ion positive है ना, तो ये जो species है, they may be neutral or negatively charged. Very rare conditions में positive होते हैं, बहुत कम positively charged होते हैं, mostly they are negative or neutral in charge. And such species directly attached है, यहाँ पर देखो, directly attached to the central metal atom are called as ligands. Okay, the species present outside the square bracket ke bahar are called as, sir, yes, ligands. Fir se batana thoda voice. Yes, sir. Fe becomes a central metal ion because it is center of the molecule. The species which are directly attached to the central metal atom are called as ligands. They may be neutral or negatively charged. मतलब हमेशा metal के opposite charge. बहुत रेयर कंडीशंस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज वाले नहीं होते, प्लस चार्ज वाले होते हैं बट बहुत कम है. सो प्लस चार्ज वाले क्यों बोलेंगे हम, अनायनिक. नेगेटिव चार्ज वाले बोलेंगे कैटायनिक, और न्यूट्रल तो न्यूट्रल लिगैंड्स. सो लिगैंड्स मे बी अनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल, एंड दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम. उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो डायरेक्टली अटैच्ड है उसको लिगैंड्स. मैंने वर्ड डायरेक्टली ना एम्फोसिस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये पोटेशियम जो है
ये भी अटैच है ना सेंट्रल मेटल एटम से, बट वो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली अटैच है, बाहर से अटैच है, इनडायरेक्टली अटैच है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए उसको काउंटर आयन बोलेंगे। तो दो पॉइंट, दो चीज अटैच है, तो जो डायरेक्टली अटैच है दैट आर कॉल्ड एज लिगैंड्स, एंड जो इनडायरेक्टली अटैच दे आर कॉल्ड एज काउंटर आयन। क्लियर नाउ एवरीबॉडी? एवरीबॉडी अंडरस्टूड लिगैंड एंड काउंटर आयन? और बताता हूं मैं, टीचर है क्लास में और आप लोग क्लास में जब बैठे रहते हो तो आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में आते हो ना मेरे, तो तब मैं मेटल एटम हो गया और आप लिगैंड्स, अभी भी आप मेरे कांटेक्ट में हो, बट आप कैसे हो, क्लास के बाहर हो, सब अपने अपने घर पे हो, तो हम कांटेक्ट में है पर हम बहुत दूर है, तो आप क्या हो गए अभी काउंटर है, इसी बात। तो डायरेक्टली अटैच इन द क्लासरूम काउंटर लिगैंड, फार अवे अटैच दैट कॉल्ड एज काउंटर आयन, यहाँ पर ऐसी हो, क्योंकि तोड़ सकता है ना, आप जब चाहे तब एग्जिट हो सकते हो, जब चाहे तब एंट्री मार दिया, या उसको काउंटर आयन, तो काउंटर आयन ऐसे ही होता है, ये निकल सकता है बाहर, आ सकता है, लेकिन नहीं जा सकता है, वो प्रॉपर्टी बाद में बताएंगे, फिलहाल अब ये जो सर्कल किया है स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से, तो दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, coordination sphere. So what is coordination sphere? The central metal atom, the central metal atom and the ligand, the central metal atom and the ligand enclosed in the square bracket, enclosed in the square bracket is called as coordination sphere. Central metal atom or ligand दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? Coordination sphere बोलते हैं। तो कोई कोई पूछता है स्क्वायर ब्रैकेट में स्फीयर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो स्फेरिकल आता है, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अरे ऐसा है एफी एटॉमिक नंबर 26, दैट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 4s2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे सामान्य त्याच्याकडे कॅपॅसिटी, आणि Fe अभी तक आपका ये हुआ नहीं ना, डी ब्लॉक हो गया क्या? क्या क्या डी ब्लॉक एलिमेंट झाले तर शिकून नाही नाही ना, तर डी ब्लॉक जब आएगा ना तो हम पता करेंगे, हमें पता चलेगा कि ये जो आयन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट्स फ्रॉम +2 and ends up till +6, +2 से लेकर +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मतलब इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है, दो तीन आपने देखे हैं, मतलब ये बना सकता है Fe2O3 भी बनाता है, Fe3O4 भी बनाता है ना, और दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, इसका मतलब Fe के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, एंड वी आर फेमिलियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कितने शेल्स इनकम्प्लीटली फिल होते हैं? टू शेल्स इनकम्प्लीटली फिल होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, 99% एग्जाम्पल्स में सेंट्रल मेटल एटम विल ऑलवेज बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट। 99% example in study will always be a transition element, because transition element shows variable oxidation state, that only they can show the coordination compounds. Clear na? इसलिए वो छह लिखा था, ये clear हो गया? Yes sir. Okay. So central metal atom, ligand, coordination sphere और counter ion समझ में आ गया। अब आगे कितने ligands attached हैं यहाँ पर? छह। So the number of ligands, the number of ligands directly attached to the central metal atom is called as coordination number. The number of ligands directly attached to the central metal atom is called as coordination number. Okay. So काउंटर आयन, सेंट्रल मेटल आयन, लिगैंड्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, और है पॉइंट्स धीरे धीरे बताते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी
आप लोग रिस्पॉन्ड करना है. सो कीप योर कीपैड रेडी, यू टू आंसर मी नाउ. Come on, what is this? Central Met. Central Met. Very good. Very good answer. This is Central Metal Iron. Very good. Very good. Ligand. Ligand. Yes. Very good. Very good. Students. Coordination number. Coordination number. Coordination number. Correct. So, coordination number. Coordination number can also be abbreviated as CN. Coordination number la apan abbreviation kasa karu shakto CN. Counter iron. Coordination sphere. Coordination sphere. मतलब कितना क्लियर हो रहा है, बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गए. ओके, so I'll take some more examples. Yes, will be correct answer after. Om to the doubt. Now, girls से बहुत answer देते हैं. Now boys pick the answers. All boys. First, CO क्या है? Come on boys, you can type or you can speak. What do you feel? Central metal iron. Yes, very good. Central metal iron. Okay, NH3. Yes, Roshan, correct answer. NH3. And NH3 is ligand. Cl. Coordination number. Cl is coordination number. एक ने बोला. Cl, what is Cl? Ligand. Ligands. एक ने ligand बोला. और central metal iron. रोशन, सीएल मेटल आहे का? यस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग करेक्ट आंसर्स. इट इज लिगैंड. इट इज लिगैंड. एक ही मेटल आइटम होता है, ये लिगैंड है. ये क्या है यहां पर? काउंटर है. क्या बात है? काउंटर. और ये हमें पता है, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ओके, सो स्टूडेंट्स यू गॉट दिस. नाउ व्हाट आई विल एक्सप्लेन हियर इज, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम सीओ था, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम सीओ है. यहां पर एक ही टाइप का लिगैंड है, छह लिगैंड्स है पर एक ही टाइप का है. यहां पर दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स है. हाँ, आर्य मैं बताता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर. अभी तक क्यों नहीं बताया, बताता. यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के लिगैंड्स हैं, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम एक हो सकता, एक और मेनी लिगैंड्स कैन बी देयर. देयर कैन बी टू और मोर टाइप ऑफ लिगैंड. यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड्स था, छह लिगैंड्स है बट टाइप कितना था, वन. यहाँ पर two different type of ligands are present. Getting? So there can be two different types of ligands, or three different types, or four different types. No matter. There can be multiple type of ligands also present along with the same central metal atom. But
But what? The coordination number of that metal ion should always be same. Coordination number of the central metal ion should be same. मतलब fixed. मतलब इस CO का coordination number यहाँ पर 6 है. यहाँ पर NH3 4 ही था. तो coordination number CO का कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए ना? उसी पास कितना है? 4 ही था. तो उसने क्या किया? दो आयंस काउंटर से एक्सेप्ट करा. Cl3 था. तो Cl3 से दो एक्सेप्ट कर दिया. तो उसका ये दो एक्सेप्ट किया. तो इसका coordination number कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6 हो गया यहां पर. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंजेस. सो व्हाट कैन चेंज? काउंटर आयन कैन चेंज. तो काउंटर आयन कैन चेंज बट द नंबर ऑफ लिगेंड्स ऑलवेज रिमेंस द सेम. इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेंस द सेम बट द काउंटर आयन जमीन ही सेम रहेगा. चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है. इसका मतलब वो क्या हो गया? आयोनाइजेबल. आयोनाइजेबल. ओके, ये स्फीयर के अंदर है, ये स्फीयर के बाहर है. स्फीयर के बाहर है, ये स्फीयर के अंदर है. इसका मतलब इनर स्फीयर, इनर स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल, आउटर स्फीयर आयोनाइजेबल. आयोनाइजेबल का मतलब चेंज हो सकता है, नॉन आयोनाइजेबल नॉट चेंज. सो दिस कैन नॉट चेंज. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसको कैसे भी करके 6 लाना ही है. तो इसके बाहर से एक्सेप्ट कर दिया. ओके, तो दैट्स व्हाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, आयो नॉन आयोनाइजेबल. और ये चेंज हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, चेंज हो सकता है. तो दिस वे इट इज आयोनाइजेबल. नाउ व्हेन यू हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड, एक ही टाइप ऑफ लिगैंड, then such complexes are called as homolactic complex. When you call this homolactic complex, when you having only one type of ligands, but when you having two or more type of ligands, then it is called as hetero lactic complex. When you have it two or more type of ligands, it is called as heterolactic complex. And only one type of ligands, then it is a homolactic complex. Clear? आगे बढ़ो, मैं भी चलते हैं. So I've drawn here 3 examples. Now, यहां पर अभी हमने क्या बोला? यहां पर क्या बोला था कि काउंटर आयन चेंज हो सकता है. काउंटर आयन इज आयोनाइजेबल. तो मैं आयोनाइजेबल करके देता हूं. ठीक है, तो K निकल जाएगा. तो K का चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ K? K इज एन अल्कली मेटल ना, तो अल्कली मेटल का चार्ज कितना होता है? +1. तो यहां पर प्लस कितने के हैं? 4 है, तो इसलिए यहां पर 4 प्लस हो गया. अभी बचा क्या? FeCN6. तो इसने प्लस चार्ज ले लिया, तो FeCN6 के पास चार्ज क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा. और कितना माइनस आएगा? यहां पर प्लस 4 है, इसलिए यहां पर चार्ज कितना आएगा? -4. एक बार आपस K और FeCN6 डिसोसिएट हो गया, क्योंकि हमने यहां पर देखा क्योंकि काउंटर आयन कैन डिसोसिएट, कैन बी आयोनाइज्ड. तो की हैज आयोनाइज्ड, सो के गॉट व्हाट चार्ज? प्लस चार्ज. के गॉट व्हाट चार्ज? प्लस चार्ज. हाउ मेनी प्लस चार्ज इट गॉट? 4, बिकॉज देयर आर 4 आयंस, सो 4 प्लस चार्ज. नाउ हियर
सो दैट्स व्हाई इट गेट्स माइनस और प्लस 4 पे यहां पर कितना हो जाएगा माइनस 4 सो एफिशिएंसी 6 का हाउ मच चार्ज माइनस 4 क्लियर नाउ सेम गो फॉर दिस कम ऑन पहले सीएल कर दो सीएल का चार्ज क्या है माइनस और कितने सीएल एटम्स है थ्री सो माइनस थ्री करेक्ट थ्री माइनस हो गया तो भी इस पर चार्ज कितना आएगा देखते हैं सीओ एनएच थ्री सिक्स यहां पर माइनस थ्री हो गया तो चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर प्लस थ्री क्लियर NiCO4 इसका डिसोसिएशन नहीं होता है फर्दर क्योंकि इसके पास काउंटर आयन ही नहीं है ना इसके पास काउंटर आयन ही नहीं है और इसको बाद में थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे फिलहाल अभी तक समझ लो काउंटर आयन नहीं है इसे डिसोसिएशन नहीं तो अभी यस नॉन आयनाइजेबल करेक्ट इट इज नॉन आयनाइजेबल So, ये आयनाइज हो गया और इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ गया माइनस चार्ज ये आयनाइजेबल हो गया इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है प्लस चार्ज दैट्स व्हाई व्हेन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज इट इज कॉल्ड एज एनायोनिक कॉम्प्लेक्स व्हेन The coordination spheres acquires plus charge. It is called as cationic complex. And when there is no charge, it is called as neutral complex. So depending upon the charges, we are having three types: anionic, cationic, and neutral. Anionic, cationic, and neutral. ठीक है? इसका basic hint एक नाम सॉल्व ये भी कर सकते हैं एक अपने लिए बुक पे कुछ लिखने का बुक पे लिखने का अभी एग्जाम में नहीं लिखने का क्या अगर काउंटर आयन आगे की तरफ होगा काउंटर आयन आगे की तरफ होगा तो कंपलसरी इट विल बी व्हाट अनायनिक कॉम्प्लेक्स और काउंटर आयन पीछे की तरफ होगा काउंटर आयन पीछे की तरफ होगा तो इट विल बी ऑलवेज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स ये अपना हिंट अपने लिए और व्हेन यू हैविंग अ प्लस चार्ज व्हेन यू हैविंग काउंटर आयन बिहाइंड पीछे की तरफ है तो हमेशा कैटायनिक और काउंटर आयन आगे की तरफ है तो एनायनिक अंडरस्टूड तो यॉल में नोट डाउन दिस आई वेट फॉर 5 to 7 मिनट्स सभी को एवरी नोट डाउन आई वेट एंड हो जाएगा तो डन कर देना तब तक लिखो फटाफट क्या बात है यादव आरती शु बात है बदा साथे लखे छे के एकदम तब तक बाकी बच्चे लिख रहे हैं सो आई टॉक टू अदर स्टूडेंट्स अभी तक जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ाए हैं उसमें किसी को कुछ डाउट आ रहा है नहीं ना वेरी गुड थैंक यू
डन ओके। तो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स लिखो ऐसा स्टडी करो ना तो फटाफट से सब डेफिनेशन लर्न हो जाएंगे, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक में ना सब तीन पेज पे दिया है, मैंने तीन पेज का आपको एक शॉर्ट में करके दे दिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड। आई क्लीन द बुक। So I'm going to study a fresh topic that is called as types of ligand on basis of point of attachment. Types of ligand on basis of types of attachment. Okay, so let us see how to study that part. Types of ligands on basis of point of attachment. Point of attachment ko hum bolenge. Word can be used dentate. I think we need now. Make some time. Dentate का मीनिंग होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। सो लेट अस सी व्हिच आर द टाइप्स ऑफ लिगैंड्स। तीन कॉलम बनाने हैं, तो अगर आप लिख रहे हो तो आप दो पेज पर चार्ट बना के लिख सकते हो एक साथ, या फिर आप कैसे करो मालूम है, लिगैंड्स लिखो फिर पहले मोनोडेंटेट लिख देना सर, उसके बाद नीचे सेकंड में मेरे से चार्ट मत बनाना। अगर आप चार्ट बनाओगे आपका मैसअप हो सकता है। सो व्हाट यू डू व्हेन यू आर राइटिंग, फर्स्ट राइट डाउन टाइप्स ऑफ लिगैंड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स लिख दो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड बेसिस ऑफ Point of attachment, that is your or donor groups. Title likho sab log. Classification of ligands on basis of point of attachment /donor group. Uske hisab se karenge. ठीक है? तो उसमें first लिखेंगे हम लोग monodentate ligands. Title दे दो and then stop. Let us see now. Now we will break the word. Mono. Mono matlab single. One. Dental ka matlab point of attachment. So ligand are attached to central metal ion with only one point of attachment. Ligands are attached to the central metal atom with only one point of attachment. ठीक है, तो एक ही point of attachment रहेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, monodentate ligands. Or you can also say
और कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पर ओनली वन पॉइंट ऑफ अटेंशन बोला है ना, हम बोल सकते हैं ओनली वन डोनर, ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट, ओनली वन डोनर एटम. तो यू कैन से दिस वे एग्जांपल्स Cl, OH, NH3, जैसे एग्जाम्पल्स. कैसे अभी मेटल एटम है वो Cl से अटैच हो सकता है, इमेज बस इसके पास और जगह नहीं है. OH है, ये M स्टैंड्स फॉर मेटल एटम, M स्टैंड्स फॉर मेटल एटम, M विल बी अटैच टू OH. इतना ना अटैच टू HO, ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कभी नहीं देता है, देयर इज ऑलवेज OH. सो ओनली वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. So when you have only one point of attachment, that is called as what? Monodentate ligands. Clear? Abhi? Clear this point, everybody? मतलब ये जो species है, ये metal से एक ही point attached है, and hence they are called as monodentate ligands. अब second वाला बड़ा है, polydentate ligands, polydentate ligands. तो इसमें नाम से पता चल जाता है, poly मतलब many, two or many point of attachment is present. इसके साथ में ligands के साथ में, क्योंकि ligands का relationship है, two or more point of attachments are present with the central metal ion are called as polydentate ligands. Or we can say there are two or more donor atoms of ligands which are directly attached to a central metal atom are called as polydentate ligands. Okay? So let us see, for example, two or more point of attachment of ligand with central metal ion is called as polydentate ligands. Depending upon the number, they are further classified as didentate, tridentate, tetradentate, and so on. Poly है ना, तो कितने भी आ सकते हैं, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, जितना भी होता है. तो depending on तीन बता, example देते हैं. इसका नाम आप लोग बताना है पहले. CH2, NH2, और N के पास आपको पता है एक लोन पे रहता है. N का कंपाउंड कमा. स्टूडेंट्स नेम द कंपाउंड. क्या बात है, वेरी गुड. करेक्ट. इसका नाम क्या आएगा, ये देखो कैसा है, विसिनल पोजीशन है. करेक्ट, वेरी गुड स्टूडेंट्स. करेक्ट, एक्सलेंट रिया. Very good students. Superb. Vaishnavi, ठीक है, आपने IUPAC name लिखा है, चलेगा. Ethane 1.2 diamine, right. So यहाँ पर this is ethylene diamine बोलो या ethane 1.2 diamine, that is all the same. Correct answer. So इसका नाम क्या आएगा, ethylene diamine. इतना हो गया. अब यहां पर मैं मेटल एटम रखता हूं, सपोज मैं कॉपर रखता हूं, आई विल टेक दिस कॉपर. नाउ दिस इज हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मैंने आपको बोला था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा क्या दिखाएगा, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट दिखाएगा. तो लिगैंड हमेशा डोनर, मेटल एटम एक्सेप्टर. तो ये जो लिगैंड है NH2,
ये जो लिगैंड है NH2, ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम को दे देगा, तो इट विल डोनेट, इट विल एक्सेप्ट फॉर ऐसा बॉन्ड। यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, सो NH2 यहां पर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। तो एक लिगैंड और एक ही मेटल एटम है, एक लिगैंड एक ही मेटल एटम है, पर कितने पॉइंट्स अटैच है, टू पॉइंट्स अटैच है। The ligand is attached to the central metal atom. The ligand is attached to the central metal atom with two points of attachment, and hence it is called as didentate. It is also called bidentate. Bi. We can call it as didentate or bidentate because the central metal atom is attached to the ligand with two points of attachment. Clear everybody this much? ठीक है, समझ में आ रहा है मतलब ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, इस इथाइलीन डायमाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे EN। तो आपको क्या याद रखना है, EN। मैं आपको साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर ही बताता चाहता हूं। अब एक EN है ना, एक EN है, पर EN मेटल एटम से कितने पॉइंट्स अटैच्ड है, टू पॉइंट्स अटैच्ड है। इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, टू हो गया। मतलब क्या, अगर आपके पास ऐसा दिया है CO EN ट्राइस बोला है, CO EN ट्राइस है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगैंड, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, Yes, क्या बात है, एक ने आंसर राइट दिया। नेक्स्ट, कम ऑन अदर स्टूडेंट्स, विवेक शुक्ल उत्तर, आयुष शुक्ल उत्तर, कम ऑन अदर्स, विल बी रॉन्ग। ओके, आई विल रिपीट अगेन, पूनम लिसन, एवरीबॉडी लिसन, क्या बोला, लुको देखो क्या बोला था, तो ligands which are directly attached, ligands which are directly attached to central metal atom are called as which shows the coordination number, shows the coordination number. So actually yahan par dikhai de raha hai 3, to coordination number hona chahiye 3, barabar hai, but ye ligand metal atom se kitne points attached hai, 2 points attached hai, iska matlab ek EN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। एक EN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3 EN है अपने पास, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3 दूनी 6। अभी क्लियर एवरीबॉडी, डन, वेरी गुड। तो अभी यहां पर आगे चलते हैं, हम विल गो फर्दर। ओके, तो इसी का एक बड़ा भाई ले लेते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं, आपको बताना कितना डेंटेट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, बट लुक एट द स्ट्रक्चर प्रॉपरली, यू विल गेट द आंसर। कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, नहीं ओम सी यू मेटल एटम, सी यू मेटल, आणि हे जो वरचा इथाइल डायमंड ते लिगैंड, दिस इज मेटल, दिस इज लिगैंड, हे सांगा याचं नाव काय आहे, सी ओ ओ एच सी यू एच,
कॉमन नेम पाहिजे मला. यस वेरी गुड दीक्षा. करेक्ट आंसर है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सालिक एसिड. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सालिक एसिड. मिथेनॉइड येणार, इथेन डायऑल येणार, दोन कार्बन. तो कॉमन नेम ऑक्सालिक एसिड. इथेनॉइक एसिड. इथेन डायऑइक एसिड. ठीक है मला ऑक्सालिक एसिड कॉमन नेम पाहिजे कारण मी सांगतो. अभी जब एच निकाल लेंगे इसका तो माइनस हो जाएगा ना. तो एच निकल गया तो आईसीए से निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा ऑक्सालेट. बन गया ना ऑक्सालेट. चार्ज आया है तो ऑक्सालेट आयन. ऑक्सालेट आयन सिंपल अपनी भाषा में हम पर क्या रहे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब लिगैंड के पास माइनस चार्ज होता है लिसन केयरफुली इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इफ द लिगैंड इज हैविंग नेगेटिवली चार्ज दैट इज इट इज अनायनिक लिगैंड. नेगेटिव मतलब अनायनिक. अनायनिक लिगैंड इट इज यूज्ड द नेम ऑफ द कंपाउंड द नेम ऑफ द लिगैंड is suffixed with O. Again, I repeat. Well, the ligand is negatively charged or ligand is anionic. The name of the ligand is having suffix O. So that's why this oxalate becomes what? Oxalato. Clear why oxalato word is used? So it is oxalato. अब इसका स्ट्रक्चर दिखाते आपको समझ में आ जाएगा और बेटर. नाम इधर लिखता हूं मैं ऑक्सालेटो. कितने कार्बन एटम है? टू कार्बन एटम्स है. सो आई शो टू कार्बन एटम्स. डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ हो गया. अब एक ये ओ है ना बट ओ के पास नेगेटिव चार्ज है तो ओ नेगेटिव चार्ज क्यों हो गया क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. नॉर्मली ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बट ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास. तो अभी मुझे आप बता सकते हो कि कौन सा डेंटेट है मोनो डेंटेट बाय डेंटेट ट्राई डेंटेट टेट्रा एक्सा क्या डेंटेट. क्या बात है वेरी गुड एक्सलेंट आंसर कैटिंग एवरीबडी. सो व्हाट ऑक्सालेटो आयन इज अगेन व्हाट एग्जांपल ऑफ डाई डेंटेट. हाँ इतना लिखो क्योंकि बोर्ड क्लीन करना है मुझे तो पहले नोट डाउन दिस मच. आई हैव टू शो वन मोर एग्जांपल इन दिस सो बिफोर आई शो दिस यू ऑल मे नोट डाउन क्योंकि गर्दी हो जाएगा खिचड़ी हो जाएगा. ये क्लीन करो इस साइड वाला. मैं शाल आई क्लीन दिस एवरीबॉडी. ऑल राइट सर स्टिल डन. Now, look carefully. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कराओ इथाइलिन डायनामाइड बराबर है. ये ऐसे किया था अब इसको ओपन कर दिया और कुछ नहीं इथाइलिन डायनामाइड और इनके पास एन के पास एक इतना क्लियर सबको. Everybody understood this much? Okay. Now pay attention. CH3COOH. Iska naam acetic acid. Tum sabko pata hai. Iska naam acetic acid. Ab iska H plus ions nikal denge. Phir minus ho jayega na. तो एच प्लस आई निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ये एसीटेट. इट विल बिकम एसीटेट आयन बराबर. ओके नाउ व्हाट आई डू यहां पर दो एच है और यहां से मैं क्या करूंगा एक एच रिप्लेस करके एन को अटैच करूंगा. ओके
हे बघा परत सांगतोय मी सगळं सांगतोय व्यवस्थित ऐका सगळ्यांनी. CH2, CH2, NH2, NH2. ये क्या है? यही सबसे ना इथाइलीन डायमाइन. बट फॉर माय कन्वीनियंस मैं इसको ऊपर लिखूंगा. इधर कौन कर रही है, इधर कौन कर रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा. NH2 और इस N के पास तो एक ये है, तो यहां पर हो गया ना. नाउ आई यूज व्हाट? एसिटिक एसिड CH3COOH. This is called as what? Acetic acid. Now I replace the H ions. So minus ho gaya. So ye kya ho jayega naam? Acetate ion. Acetate ion. This acetate ion will be replacing the H atom. So do H atom, do bar aa jayega. Kaise aayega? Dhyan se dekhna. दो एच आएगा, कैसे आएगा? लेट अस सी. सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस. यहां से एक एच प्लेस करके अंदर गया और सी एच टू सी ओ ओ माइनस माइनस एच एस. एक और एच है ना, तो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस. इकड़े पर असं होणार आहे CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस. एक और CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस. और यहां पर मैं लिखता हूं कैपिटल N. N स्टैंड्स फॉर मेटल एटम. एक का परत करतो मी, अटेंशन घ्या फुली. अगेन आई डू वन्स अगेन CH2 CH2 NH2 NH2. बरोबर आहे? इसको नीचे लिखता हूं CH2 CH2 NH2. ओके, दिस इज कॉल्ड एज इथाइलीन डायमाइन. ना इसके पास एक ये होता है, ये देखा है. अब हम क्या कर रहे हैं? ना व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर रिप्लेसिंग द एच एटम. वी आर रिप्लेसिंग द एच एटम बाय व्हाट? एसिटिक ग्रुप. तो सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस. एक और सी एच टू C double bond O O minus वो भी attached, correct? यहाँ पर H को replace करेंगे. CH2 C double bond O O minus. C double bond O O minus. इसका मतलब ये metal atom जो है इस लिगैंड से कितने पॉइंट्स अटैच्ड है? कमन से नीचे लगेंगे. यस, आंसर दिया है. यस 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 यस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एक्सेलेंट स्टूडेंट्स. ओके, सो दिस मेटल एटम इज अटैच्ड टू द लिगैंड विद सिक्स पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट एंड हेंस दिस कम्स अंडर द क्लास हेक्सा डेंटेट. क्या नाम आ गया? क्या कौन सा टाइप हो गया? ये हेक्साडेंटेट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट? क्योंकि क्या हो गया इसके पास? द मेटल एटम इज अटैच्ड टू द लिगैंड्स विद सिक्स पॉइंट एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज हेक्साडेंटेट. अभी क्या क्या अटैच हुआ वो देखते हैं. क्या बोला था मैंने? इसका नाम क्या बताया था? एसीटेट. क्या बोला था? एसीटेट. और कितनी बार यूज किया अपन ने एसीटेट? एक, दो, तीन, चार. ठीक है, चार बार यूज किया. तो टेट्रा एसिटेट एंड बेसिक कंपाउंड. ओरिजिनल कंपाउंड क्या था? इथाइलीन डायमाइन. सो नेम ऑफ द कंपाउंड बिकम, सो नेम ऑफ द कंपाउंड बिकम इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट.
इथाइलीन डायनामाइन, इथाइलीन डायनामाइन ओरिजिनल और एसीटेट चार बार, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइलीन डायनामाइन टेट्रा एसीटेट। तो इसको एब्रिवेशन क्लियर, ईडीटी समझ में आ गया, हाउ इज ईडीटी है, ईडीटी इज हेक्साडेंटेट। कम ऑन, यस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस नाउ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, यस वेरी गुड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। जैसे यहां पर 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कंपलसरी 2, वैसे इसका 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6, एक ईडीटी रहेगा तो 6। अब ध्यान से देखो, लुक हियर, ये स्ट्रक्चर कैसा, ये मेटल एटम है ना, ये मेटल एटम लिगेंड से कैसे अटैच है, इस तरह से सिंगम, ऐसा का सिंगम ना, ऐसा अटैच है, ओके। सो व्हेन द मेटल एटम एंड द लिगेंड्स फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, व्हेन द मेटल एटम एंड द लिगेंड्स फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, देन सच रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, मैं समझता नहीं हूं क्या समझते तू, ओम स्पीक सर, तुम अपने स्ट्रक्चर काढला है तर एक्झॉडिटीचा तो कंपलसरी असच काढायचा, नहीं नहीं ऐसा काढायचा कंपलसरी नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो ओपन करके दिया आपको, मैंने आपको ऐसा क्यों दिखाया है, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि मेटल कैसे अटैच होगा, टेक्स्ट बुक मध्ये तो वेगळा दाखवलं आहे स्ट्रक्चर, ओपन करून दाखवलं आहे, मी तुम्हाला व्यवस्थित करून दाखवलं आहे तो इजी पढ़ना रहा, जो कसा अटैच हो, तो मतलब यहां पर समझ में आएगा कि एक मेटल को 6 पॉइंट अटैच हो सकते हैं एक साथ, दैट्स व्हाई आई शो दिस वे, यू कैन ड्रॉ द टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर आल्सो, सो व्हाट दे आर कॉल्ड एज, व्हाट चिलेट, व्हाट इज चिलेट, व्हेन लिगैंड and central metal ion forms ring-like structure. Okay? When the central metal atom and the ligands form a ring-like structure, then they are called as chelates. So all polyidentic compounds form chelates. म्हणून मी तुम्हाला असं दाखवलं स्ट्रक्चर चिलेट, तो चिलेट वर्ड कहां से आया, चिलेट एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, चिलेट इज अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक में चिलेट मतलब क्रैब होता है, क्रैब केकड़ा, तो क्रैब असंच असतो ना, तो क्रैब वरून चिलेट नाव, आणि चिलेट आपण इंग्लिश वर्जन मध्ये केलंय, त्याला म्हणतो की व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, देन दे आर कॉल्ड एज चिलेट्स, ओके एवरीबॉडी, लिहून घ्या सगळ्यांनी, नोट डाउन, कॉल मे नोट डाउन दिस, एक राहिले एम्बिनेंटेड, पण आपण एक सेकंड, हिरेन सर, हा सर, पीछे लेक्चर है कि मैं कंटिन्यू करूं 5-10 मिनट, चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल कंटिन्यू 5-7 मिनट सर, ये जो है ओम, दिस इज व्हाट बाइडेंटेट, क्योंकि देखो ओ माइनस ना, तो ये कैसे अटैच होगा, यहां पर ये मेटल एटम ऐसे अटैच होगा, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट बाइडेंटेट, क्यों टेस्ट होगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक इसके पास एक एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा, दैट्स व्हाई इट विल बिकम व्हाट बाइडेंटेट, ऑक्सालेट 2 इज बाइडेंटेट, चलो मे आई मूव फर्दर, डन एवरीबॉडी, तो मैंने आपको बोला तीन टाइप के लिगैंड्स है, तो फर्स्ट हो गया अपना मोनोडेंटेट,
सेकेंड हो गया अपना पॉलीडेंटेट एंड पॉली वी हैव सीन व्हाट इज डाई ट्राई टेट्रा एंड मेनी सो एग्जांपल्स वी हैव सीन इथाइलिन डायमाइन एंड ऑक्सालेटो आर व्हाट डाइडेंटेट और बाइडेंटेट एंड ईडीटीए इज अ हेक्साडेंटेट ये बुक में डेफिनेशन नहीं दिया है ये आप लिखो चिलेट्स सो व्हाट आर चिलेट्स व्हेन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगैंड्स फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स Then they are called as chelates. मनु पुस्तक का ओपन करो ना तो ऐसा चलता है कि ये दाखवा लेते हैं. ओके आता थर्ड टाइप थर्ड इज एमडी डेंटेड लिगैंड थर्ड टाइप इज एमडी डेंटेड लिगैंड्स सो लेट अस सी व्हाट यू मीन बाय द वर्ड एमडी डेंटेड लिगैंड्स उसके पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हो तो ऑनलाइन लेक्चर में अभी गजसुख सर का लेक्चर चालू है और साइमल्टेनियसली आपको एक और मैसेज आया कि वहां पर बायो का लेक्चर शुरू है तो कैन यू अटेंड द केमिस्ट्री एंड बायो लेक्चर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम नो सर नो यू कैन नॉट अटेंड यू कैन अटेंड बोथ द लेक्चर बट एट डिफरेंट टाइम्स मतलब एक बार आपने केमिस्ट्री अटेंड कर सकते हो एक बार बायो बट दोनों एक साथ नहीं कर सकते बस वही है A ligand which is having two or more point of attachment, but at the time it will show only one point of attachment, but it will make available only one point of attachment. It's called as MB dented ligands. Clear? मतलब ये poly भी है और mono भी है. दोनों में combination है. Poly क्यों? मतलब इसके पास extra point of attachment. और मोनोक्यूब ज्यादा होने पर भी एक बार में एक ही दिखाता है इसलिए ये क्या हो गया मोनो तो यहां पर देखते हैं CN वी हैव सीन हैलोजन डेरिवेटिव्स हैलोजन डेरिवेटिव्स देखा था इट कैन फॉर्म मेटल साइनाइड इट कैन फॉर्म मेटल आइसोसाइनाइड बराबर ना हमने जब किया था KCN के साथ में तो साइनाइड बनता है और HCN के साथ में तो आइसोसाइनाइड बनता है So this is cyanide, this is isocyanide, but ये ऐसा कभी नहीं होगा. Both एक साथ attach not possible. तो एक बार में एक ही attach हो सकता है. दोनों attachment possible नहीं. So such ligands are called as empty dented. So I'll read a definition for you. The ligands which are having two donor groups, they have two point of attachment. But they are coordinated the central metal atom with only one point of attachment. They are coordinated with the central metal atom only with one point of attachment is called as MP dented ligand. So first example kya aa gaya? Apna cyanide. Second example lete hai nitro NO2. It can form. MnO2. M का मतलब क्या हो गया सेंट्रल मेटल एटम M का मतलब हो गया सेंट्रल मेटल एटम एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म MnO. दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसो तो मतलब इट कैन अटैच टू N, इट कैन अटैच टू O, बट एक बार में एक ही सो नाइट्रोसो सो हो गया नाइट्रो सेकेंड थर्ड वाले कंपाउंड का आपको नाम बताना है What is S stands for? No, it's not sulfur. थोड़ा मैं याद करवा देता हूं ये हमने S पढ़ा था इन Darzan's process. Darzan's process में
आपको शीप सांगता हूँ मैं, एक मिनट डेफिनेशन हाँ। एस का मतलब डार्जन्स प्रोसेस में क्या पढ़ा था अपन ने? यस खुशी, एनी अदर? सेकेंडरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डार्जन्स प्रोसेस बाळांनो चला ठीक आहे, कंपाउंडचं नाव विचारतो, याचं कंपाउंडचं नाव सांगा। सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ सल्फोनिल क्लोराइड। सल्फोनिल क्लोराइड, व्हाट इज द अदर नेम? थायोनाइल क्लोराइड। आई वांटेड द सेम, थायोनाइल क्लोराइड। तो मतलब एक्स को क्या बोलते हैं हम? थायो भी बोलते हैं ना। हाँ इसको कॉल एज थायो, क्योंकि इसका नाम क्या हो गया? थायोनाइल क्लोराइड। यस आई गेट दिस इन डार्जन प्रोसेस। एक्स वाई एस स्टैंड्स फॉर थायो, दिस इज कॉल्ड एज थायोसाइनाइड। वेरी गुड, अभी समझ में आ रहा है आपको? So this is called as thiocyanine. This is called as thiocyanine. So ये कैसे attach होता है? Metal can be attached to MSCN. So metal thiocyanide. Or it can also attach this way. MCS. Metal isothiocyanide. इसे ये iso हो गया ना, isocyanide. तो ये isothiocyanide. Has two or more donor groups slash point of attachment. Two or more donor groups QR, two or more point of attachment, but it attaches, yeah, it is coordinated to the central metal atom. It is coordinated to the central metal atom with only one point of attachment. It is coordinated to central metal atom with only one point of attachment. खुशी समझ में आया? सर एक बार और बता दो। हाँ एक बार और बता दो। द एम्बिडेंटेड लिगैंड इज अ लिगैंड व्हिच हैज टू और मोर डोनर ग्रुप्स। डोनर ग्रुप्स को स्लैश करके लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, बट इट इज अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन विथ ओनली वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम विथ ओनली वन पॉइंट। Okay, understood? And three examples I've given you. Thank you. Iren sir, thank you. Tata, bye bye. See you all. Bye, students. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Bye bye, Ramu.